बिग बॉस सीजन 16 के घर से बाहर निकलते ही विकास ने घर के कंटेस्टेंट को लेकर कई आरोप लगाए। बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट विकास ने घर में एंट्री ली थी। अब बहुत ही कम समय में वह घर से बाहर भी हो गए, लेकिन इसी कम टाइम में विकास ने बिग बॉस के घर में अपनी छाप छोड़ दी है। साथ ही विकास ने इस घर में हर किसी को डबल फेस बताया, तो वहीं एक को अपना अच्छा दोस्त भी बताया। विकास का गुस्सा बिग बॉस के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट शिव पर फूटता हुआ दिखाई दिया। बताया कि कैसे शिव आपसे बात नहीं करेगा, बल्कि कैमरे में जाकर ऑडियंस को फीड करेगा। हालांकि मुझे जैसे शिव के बारे में मालूम था कि उसने जो किया बाहर और बिकॉज मराठी में किया, तो भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची कि उसको टारगेट करना है। इसलिए जब उसने पहले जाते ही वीक में पहले ही टास्क में चीखना शुरू किया, तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तू आ। मैंने कहा क्यों, तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया? तो उसको समझ आ गया और वो मैं कह के चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था। अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था, और सीधा ही फिर उसको बम फोड़ के सबके सामने करता ताकि फिर हर कोई उसे नॉमिनेट करता। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो टारगेट था ही नहीं मेरा। फिर उसने अगले दो हफ्ते चुप्पी साधी और स्वीट रहा मेरे साथ, पर जैसे ही थर्ड वीक में दोबारा से उसने ये गंदी गेम शुरू करी कि हम वॉशरूम के बाहर थे और मैं अंदर था और वो बाहर वेट कर रहा था। उसने जान के क्यों का मुद्दा बना के और ऐसा कहा कि अच्छा, जो बाद में ने कही भी नहीं उसको कहा, अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सर ने देख लिया रहने दो। और फिर वो, अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से। इसी बीच विकास ने शालीन भनोट को लेकर भी बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे शालीन कई बातों को लेकर बौखलाया रहता है, उसके अंदर एक अच्छाई है जो छुपी है। मैंने कई चीजों पर उसे समझाने की कोशिश भी की, जब तक मैं समझा पाया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। शालीन जो है, उसके अंदर सच्चाई, और सच्चाई तो नहीं, उसके अंदर कुछ अच्छाई है जो कहीं कोने पे है, बट वो अच्छाई बाहर नहीं आ पाती है। बहुत ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस में बाहर आती है, और उसके ऊपर इतने सारे नकाब उसने डाले हुए हैं जो अल्टरनेट रियलिटीज़ की हैं। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइम पे कौन सा मास्क उतरा हुआ है और कौन सा काम कर रहा है, और इसलिए बौखलाया रहता है और बेवकूफ़ियाँ बहुत ज़्यादा करता है। तो जब तक मुझे लगा कि मैं एक सच्चाई से दोस्त की तरह उसे बता पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ, मैंने किया। जब मुझे लगा कि तो वो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, तभी मैंने उसके मुँह पर बोला। जब मुझे लगा कि वो गलापन दिखा रहा है, तो भी मैंने उसे बोला। जब मुझे लगा कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है, तो वो भी मैंने बहुत सच्चाई से सब उसके सामने रखा कि बॉस यही है, एंड दैट इज मी। विकास ने अपने घर के अंदर बिताए पूरे सफर के बारे में बात की। हर कंटेस्टेंट किस तरह का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये भी बताया। आखिर में विकास ने फैंस को बहुत सारा प्यार दिया, साथ ही कहा कि अगर ऐसे ही प्यार करते रहेंगे तो बिग बॉस शायद घर में वापस बुला लें।